तो भाई अपनी गाड़ी देखो, हमने पूरी गाड़ी अपनी भाई धुल ली, जितनी भी हल्का फुल्का गंदी थी ना पूरी साफ हो गई। बहुत तगड़ी भाई लग रहा था, और अंदर से इतना ज्यादा डर लग रहा था ना, ऊपर पानी जब भर गिर रहा था बड़ा डर लग रहा था भाई, बहुत तेज आवाज आ रही थी। और भाई पता है हम लोग गए झरने के पास, पानी में बढ़िया गाड़ी घुसेड़ी, और देखो भाई ऊपर से पानी गिरने लगा, यहाँ बूंदे गिरने लगी है, तो लगता है कि बारिश होने की संभावना है। एक दो मतलब काफी टाइम से कम आधे घंटे से पानी बूंदाबांदी हो रही है। ये देखो भाई आपको शीशे में समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो कोई बात नहीं भाई, हमको तो अपनी गाड़ी धुलनी ही थी। देख रहे हो भाई ट्रक कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, चढ़ नहीं पा रहा है भाई। ये देखो उसने हमको साइड दी, तो हम लोग भाई निकल चलते हैं, क्योंकि भाई उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भाई वादियों में ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, तो भाई इंजन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। सच में इंजन में लोड तो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है भाई, जब हम लोगों की गाड़ियों में इतना पड़ जाता है तो भाई ट्रक व्रक वालों को तो फिर देखो ओवरलोडेड रहते हैं, तो और ही ज़्यादा पड़ जाता होगा। तो भाई हवा इतनी तेज चल रही है ना, देख रहे हो दोस्तों कहाँ से आकर कहाँ आके अटक गया है भाई। ये देखो पूरी पूरी चट्टान भाई आके अटक गई है भाई। भाई व्यू देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना भाई। और भाई थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगी है, पर यह है कि भाई ठीक है हल्का फुल्का हो रही है, अभी ज़्यादा नहीं हो रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर ज़्यादा होगी तो फिर यह है कि भाई जैसे ये थोड़ी थोड़ी रोड ऑफ रोडिंग है ना, तो वहाँ पे कीचड़ वीचड़ बहुत हो जाएगा, तो गाड़ी को थोड़ा बहुत हमारे मतलब स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी जो है ना वो 4x2 है भाई। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इतनी देर से भाई हम लोग कम से कम नहीं तो भाई 1350 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं, और भाई जब से हम इधर आए हमको एक भी गाड़ी भाई डिजायर नहीं दिखी। सब भाई लॉर्ड एल्टो कोई मतलब सब बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखी हैं, सब उस तरह की गाड़ी दिखी, पर हमको एक भी गाड़ी भाई डिजायर नहीं दिखी भाई। भाई सामने का देखो भाई कितना प्यारा झरना भाई, एक नंबर ना। बस थोड़ा सा ये अपना फोकस नहीं करता जल्दी से, कि जल्दी जल्दी फोकस कर ले तो बढ़िया दिखा दे, उंगली रखनी पड़ती है। ओ भाई क्या देखें, नज़ारा देखें कि गाड़ी चलाए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, बारिश अलग हो रही है भाई, व्यू पे व्यू मतलब खतरनाक खतरनाक सीन होते जा रहे हैं भाई, मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर बढ़िया है तो भाई, क्या कहते हो, लगाएं यहीं पर लगा लेते हैं और नाश्ता वास्ता कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग ने सुबह से नाश्ता तो किया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना पूरा टाइम तो वीडियो एडिट करने में लग गए थे, पर भाई ये कहो थैंक गॉड वीडियो अपलोड हो गई, नहीं तो भाई क्या ही होता, अपना GoPro भी बंद कर दिया जाए और भाई चला जाए बाहर। और भाई इधर का देखो बाहर का व्यू कितना ज़्यादा शानदार है भाई, लगता है कि एक घर इधर ही पे अपना लेना चाहिए, आएगा समय उसका भी आएगा कभी ना कभी, तो भाई हम भी इधर पे एक प्लॉट डालेंगे और बढ़िया, जब भी मेरा मन होगा तब मैं भाई तत्काल आ जाएगा रूम इधर पे। और अपनी भाई गाड़ी देखो खतरनाक धुल दिए भाई पूरी की पूरी, देखो इतना तेज भाई अंदर से मतलब लगता था ना भाई, मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि भाई अगर झरने के साथ साथ धोखे से भी पत्थर तड़ आ गया तो भाई अपनी गाड़ी की छत तो गई ना। तो भाई अब तो एक मिनट पहले भाई गाड़ी की अपनी लाइट जल रही है तो वो अपने बंद करते हैं। पानी भाई हल्का हल्का मतलब थोड़ा तेज होता जा रहा है, पर कोई भी दिक्कत नहीं, हम भीग भी लेंगे भाई, और यहाँ थोड़ा हल्का हल्का ठंडा मौसम भी है, तो अभी भाई चलते हैं कुछ मैगी वैगी खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, इसको देखो ठंड लग रही है क्या। फाइनली दोस्तों मैगी अपनी बन के आ गई है, दिखने में तो बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है, अब खा के देखते हैं फिर बताते हैं कैसी है भाई। क्यों कितना ज़्यादा, यहाँ से केवल एक ही गाड़ी निकल सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं, पहले हॉर्न मार दे, हट जाओ कोई अगर आ रहा हो भैया, रोड पूरी डैमेज है। भाई इनकी वजह से ही हम लोग इधर पे घूमने उमने आ पाते हैं, अगर ये लोग भाई स्ट्रगल एक भी नहीं करे ना तो भाई हम लोग नहीं आ सकते भाई, बहुत स्ट्रगल ये लोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाई, देख रहे हो बराबर बराबर ये लोग काम करते रहते हैं भाई, तभी हम लोग इस तरह भाई देखो कितने अच्छे अच्छे हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, केवल इन्हीं लोगों की वजह से, नहीं तो अगर ये लोग काम नहीं करें तो फिर हम लोग तो भाई निकल ही नहीं पाए, रोड यहाँ पर जाम हो जाएगी, देखो भाई कितना खतरनाक सीन है। ये देखिए आप, अच्छा बेहतरीन वाला गेट है भाई, ये तो बहुत बेहतरीन वाला गेट है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
यहाँ पर है, मैं कह रहा था भाई लोग आते हैं गाड़ी अपनी लगाते थे पहले, हाँ यहाँ पर भाई पहले बहुत लोग अपनी गाड़ी लगाते थे धुलने के लिए पर नहीं लगा पाते। झरना देखो भाई, बारिश की वजह से और तेज झरना हो गया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना भाई। देखो दोनों साइड से पानी भाई बहुत ज़्यादा निकल रहा है, मज़ेदार भाई। अपन भी सोच रहे हैं इधर वीडियो बना लें भाई एक दो तो अच्छा लगेगा ना। केवल आप इधर के व्यू चेक करो और कुछ मत करो भाई, केवल और केवल व्यू चेक करना भाई, कितने ज़्यादा खतरनाक व्यू है भाई। देखो भाई है ना भाई, किन्नौर सिटी देखो भाई हम लोग भाई यहाँ पर, देख लो आप इधर पे पुश करके क्या कैसा इधर सीन है, अपने को ज़्यादा पता नहीं है पर भाई सीन देखो कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई। घर कितना तगड़ा लग रहा है भाई, है ना क्या, हाँ मंदिर टाइप का ना, जैसे वो चाइना वाइना में जैसे उस तरह बने रहते ना, वैसे वाला मॉम वाले ना, तिब्बत वाला सीन। और भाई इधर से देखो, इधर का दिखाता हूँ मैं आपको, रुको ये चेक करो भाई, ये है खतरनाक, देखो भाई है ना खतरनाक भाई साहब, कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई। देखो आवाज़ तो इतनी ज़्यादा आ रही है, पता नहीं मेरी आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, व्यू चेक करो भाई खतरनाक तरीके से कहाँ से पानी आ रहा है भाई। देखो पहले भाई लोग इधर पे अपनी गाड़ी वाड़ी लगा के बढ़िया करते थे, अपनी गाड़ी वाड़ी धुलते थे, पर अब इधर पे भाई लगा दिया गया है बैरियल तो इधर पे गाड़ी वाड़ी नहीं अब कर सकते। पर भाई व्यू देखो भाई, बहुत खतरनाक व्यू है भाई, एक नंबर भाई। और ये रही भाई पाइप डोर जिमनी, ये भी इधर पे खड़ी है भाई, एक नंबर। पकड़ो थोड़ा। तो भाई अभी हमने यहाँ पर भाई अपनी एंट्री करवा दी है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर अपनी गाड़ी का नंबर और फ़ोन नंबर, आप लोग कितने लोग हैं वो बताना पड़ता है, और आप किधर से आए हैं किधर जाना है ये भी आपको बताना पड़ता है, और आपको मतलब अपने घर के पेरेंट्स का किसी न किसी का एक का नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई कोई उस तरह वाली चेकिंग नहीं है ना कोई वो है, बस आप नॉर्मली थोड़ा सा वो रहता है कि भाई अगर आगे जा रहे हैं आप कोई दिक्कत हो जाए तो भाई इनके रिकॉर्ड पर रहता है कि ऊपर कोई फंस नहीं पाए, तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब होता है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कम से कम नहीं भाई 15-20 मिनट से खड़े हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है तभी मतलब यहाँ पे जाम वाम लगा हुआ है, कुछ तो हो गया यहाँ पे भाई। अब देखो चलते हैं फिर बताते हैं। अरे 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 इस तरह अचानक से ब्रेक मत मारो यार। अच्छा ये पुलिस वाले हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ऊपर लिखा नहीं HP गवर्नमेंट। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे हैं भाई पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे ये JCB है, देखो पूरा जितना भी ये गिरा था ना भाई मलवा, तो ये भाई पूरा JCB अभी तक साफ कर रही थी, इसी वजह से भाई अभी तक जाम लगा हुआ था। अब JCB ने साफ कर दिया, देखो भाई वो ऊपर तो बड़बड़ाते हुए चला है भाई, और ट्रैक में देखो भाई है ना तगड़ा कचड़ा, ये सब भाई पूरा अभी इधर रोड पे पड़ा था, तो पूरी भाई रोड अभी इधर पे साफ की गई है तब भाई निकलने को मौका मिल रहा है। अच्छा हुआ कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो भाई फंसे रहते यहाँ पर, है ना भाई। कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए कहता हूँ मैं हमेशा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भाई जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था, मैंने ये वीडियोस में बहुत देखा था भाई, बस यही देखना था मुझको कि ये कैसा लगता है भाई, इतना देखो कितना भाई बेहतरीन लग रहा है ये भाई, ये है ना कुछ खतरनाक वाली चीज़ भाई, मज़ेदार है ना भाई, बहुत तगड़ा लग रहा था भाई, क्यों एक नंबर। पर यहाँ पर भाई अगर सामने से ट्रक व्रक आ जाते हैं ना तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है भाई। ये चेक करो यहाँ तो भाई मस्त ऑफ रोडिंग भी है, और भाई यहाँ के कुछ अलग ही नज़ारे हो गए हैं भाई, यहाँ मतलब धीमे धीमे सब कुछ अलग अलग होता जा रहा है। और ये भाई रोड जितनी अपनी अभी तक हम लोग चौड़ी चौड़ी रोडों पे चले आ रहे थे ना, अब ये भाई और ज़्यादा पतली होती जा रही हैं रोडें, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, अब जो जो हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे मतलब रोडें यहाँ की पतली होती जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पतली रास्ता से भी निकाल देंगे, बस हमारी गाड़ी बस जाने की जगह बस हो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। जब लॉर्ड अल्टो निकल सकती है तो ये भी लॉर्ड अल्टो की बड़ी बहन है, निकल जाएगी ये भी और क्या, चूकेगी थोड़ा निकलने से। और भाई यहाँ की व्यू देखो भाई, हाँ खतरनाक खतरनाक तरीके से भाई। भाई कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना कि कोई मतलब नहीं रहता कि भाई रोड है निकलने लायक कि नहीं निकलने लायक है, पर नहीं लोगों को निकलने की देखो जबरदस्ती की है, बड़ा है भाई फर्जी का है, अभी एक जगह ठुक जाएगा तो फिर
काम लग जाएगा, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई। जब वो साइड मिलेगी तो खुद अपने आप दे देगा वो साइड। तुम पहले हमको बहुत देर तक तो हॉर्न मारते रहे, फिर हमने तो तुमको चलो साइड दे दी। अब भाई बस वाला कैसे साइड देगा, उसको भी तो थोड़ा निकलने की जगह दो। जब उसको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई साइड देने लायक है, वो खुद दे देगा भाई। इतना फर्जी हॉर्न नहीं मारो और इतना तता के नहीं चलो भाई, एकदम से अचानक से ब्रेक मार देगा तो फिर खत्म कहानी। और ये देखो भाई, ये पत्थर देखो भाई कहाँ आगे गिरा है, देख रहे हो कितना ज्यादा भाई ऊपर से आगे गिरा है भाई पत्थर, रोड पे पड़ा था भाई। अपन लोग को किनारे कर देना चाहिए था वैसे, पर कोई बात नहीं, अब निकल आए आगे तो फिर निकले आए। चलो इसको निकलने तो, ये बहुत जल्दी मचा है भाई। वो पत्थर देखो भाई कैसे अटका हुआ है, थोड़ा सा बस इधर उधर हुआ तो समझ लो गया हो, समझ रहे हो। और भाई यहाँ पर देखो पानी बरसने की वजह से यहाँ पर कीचड़ हो गया है, अब थोड़ा सा ब्रेकिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे आएगी नहीं, नॉर्मली कीचड़ है, पर फिर भी अपने को सतर्क रहना है ना, कोई भी किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं है भाई। और यहाँ देखो इतना ज़्यादा खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ है ना भाई कि भाई पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा गंदा, देखो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है भाई। और सामने का व्यू चेक करो भाई, पानी बरस गया ना भाई तो धूप चली गई है, और धूप ना होने की वजह से पूरा व्यू भाई चला गया पूरा। और ये भाई देखो पूरी की पूरी भाई चट्टाने ये ऊपर से आई हैं, आप समझ लो भाई इस तरह की चट्टाने आई हैं, देख रहे हो। थोड़ा सा बस ये अटका हुआ है भाई, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो सब गए। देखो कितने ज़्यादा भाई ऊपर से पत्थर आए, बहुत ज़्यादा भाई। थोड़ा भाई ये भी चेक करते जाओ, देखो वहां से भाई पानी आता है खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर देखो भाई, मतलब यहाँ पर भाई सब पता है पहाड़ काट काट कर भाई रोड बनाई गई है, सब पहाड़ काट काट के बनाई गई है भाई। और दो तीन पहाड़ तो आपने देखा होगा कि उनके बीच से ही घुस गए हैं भाई, है ना, उनके बीच से ही मतलब घुस गए हैं, और कुछ उनको तो ऊपर से ही हटा दिया है, तो मतलब ये सब चीजें हैं। और भाई यहाँ तो देखो ये तो पूरा ही भाई पहाड़ काट के अपन लोग को पूरा बनाया गया है ये रोड, कैसे भाई देखो खतरनाक तरीके से लग रहा है ना भाई। ये भाई देखो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बता ऐसा नहीं कि डर नहीं लग रहा, डर भी लगता जा रहा है भाई। इस तरह का व्यू देखते ही तो डर तो लगता ही है भाई, अब इस तरह में डर ना लगे तो क्या लगेगा, पर मजा भी बहुत आ रही है। हाँ बस लो यार निकल तो जाओ, लॉर्ड अल्टो तुम लोग यार, अपन भी इधर ही गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। सोचा तो भाई थोड़ा गाड़ी से उतर के भी आपको दिखा दूं कि यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है भाई, एक बार चेक करो ऊपर ऊपर तक भाई पहाड़, और भाई ऐसे काट के बिल्कुल रास्ता बनाई गई है भाई। और यहाँ का व्यू चेक करो भाई, देखो नीचे कितना गहरा है भाई, वो देखो भाई नदी उधर से चली आ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और यहाँ से व्यू देखो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। अब भाई देखो यहाँ के अब सीन अलग अलग हुए हैं भाई, अब यहाँ का पूरा ही अलग हो गया है भाई। एक तो पानी इधर पे बरस रहा है तो भाई और थोड़ा दिक्कत हो रही है, और काफ़ी थोड़ा थोड़ा अंधेला भी होता जा रहा है भाई, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी आपको, बस बाकी तो भाई एक नंबर है। अंधेले की वजह से ये है कि थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा, वो चीज़ नहीं आ पाती, पर भाई है जगह बहुत खतरनाक आप। और ये देखो भाई छोटा सा झरना, बढ़िया बेहतरीन वाला झरना भाई। और भाई यहाँ पर तो अब अलग ही व्यू है ना भाई, पूरा का पूरा अलग व्यू हो गया भाई, पूरा अलग व्यू हो गया। और बरसात हो रही है तो और ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया, बस ये है कि भाई बरसात में क्या होता है कि भाई थोड़ा सा दिखना बंद हो जाता है और कुछ नहीं। देख रहे हो भाई ये चट्टान कहाँ से कहाँ आगे गिरी है, ऊपर से भाई गिर के यहाँ पर आई है भाई, इस तरह की भाई चट्टाने गिरती हैं यहाँ से, तगड़ी तगड़ी बड़ी बड़ी भाई। आगे सेट हो गई है तत्काल, सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए जेसीबी, मैं ऐसे ही सेट हुआ जा रहा हूँ। और भाई अभी बारिश भी मतलब थोड़ा तेज़ हो गई है, तो और थोड़ा सा दिक्कत हो गई है अपने को, क्योंकि रोड अपनी जितनी भी सूखी थी ना सब गीली रोड हो गई है भाई, अब उन पर कीचड़ ईचड़। और सामने से भाई थोड़ा इधर की रोड भी थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली हो गई है, कि मतलब अगर एक साथ नहीं निकल पा रहे ज़्यादा, अगर कोई बड़ा वाहन आ जाता है ट्रक या बस तो भाई थोड़ा सा हमको रुकना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या ही दिक्कत देखो भाई। अब समझ लो वो घर थोड़ा सा ही बचा है, अगर वो घर थोड़ा सा और मिट्टी फिसकी तो समझ लो वो घर तो गया, बताओ भाई थोड़ा सा बस बचा है,
नहीं गया वो घर। हाँ सर, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि देखो भाई बारिश हो रही है, देखो दिखाते हैं, ये देखो भाई बारिश भाई थोड़ा तेज़ हो गई है यहाँ पे। और भाई हम सोच रहे हैं पहले अपना टैंक गाड़ी का फुल करवा लें, फिर इसके बाद आगे जाएंगे, नहीं भाई पता चले हमको दिक्कत हो जाए। मौसम देख रहे हो किस तरह का हो गया है भाई, ऊपर पूरे बादल ही बादल छा रखे हैं, देखो पानी बहुत तेज़ हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो भाई अपनी गाड़ी के टैंक देखो, गाड़ी देखो अपनी एक नंबर, शाइनिंग कितनी तगड़ी मार रही है भाई, बहुत ज़्यादा। अरे ऊपर से पानी गिर गया, दिख गए भाई अपने तो, इसने तो अपना टैंक फुल करवा लिया है, पर इसमें भाई पता नहीं एक पॉइंट अभी दिखाई नहीं रहा, वहाँ तो पूरा ऑटो कट तक हो गया है भाई। चलो देखते हैं आगे चल के शायद आ जाए। खड़ी खड़ी कर दिए, बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि भाई हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। बाकी हमने वहाँ पर जो पुलिस वाले अंकल जी थे उनसे तो हमने पूछा था कि हमको किधर, मतलब हमने बताया किधर जाना, तो उन्होंने बता तो दिया कि इधर से जाओ, बस उधर पे एक और मोड़ थी, बस वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि वहाँ मतलब उधर तो नहीं जाना था कहीं। पर भाई यहाँ के व्यू चेक करो भाई, और यहाँ की रोड देखो यार, यहाँ लाइटिंग वाइटिंग बकायदा बिल्कुल राइट फाइट है ना भाई। तो भाई इनको देख के ना, ये बाइक वाले जो है ना भाई, इनको देख के हमें अपनी पुरानी याद आ गई, क्योंकि भाई पहले हम भी मतलब बाइक से ही ट्रैवल करते थे, कहीं भी भाई चाहे बरसात हो ठंड हो कहीं भी भाई ट्रैवल करने कहीं भी ले जाते थे गाड़ी। तो बस इनको देख के हमें अपनी याद आ गई कि भाई पहले हम लोग कैसे मतलब ट्रैवल करते थे यार।